है कि क्या सिमरन शब्दों में ठीक है या एहसास में होना चाहिए, तो इसका उत्तर अब कैसे दिया जाए? इसका जवाब तो हमारा सद्गुरु ही दे सकता है जी। आइए सुनते हैं इसी सवाल का जवाब कि क्या सिमरन बैठकर शब्दों में बोला गया उचित है या फिर चलते फिरते विचार रूप में एहसास रूप में आए तो उचित है। सिमरन का क्या रूप हो ये सद्गुरु बाबा जी से जानते हैं। कि जहां पर सत्संग और सेवा का महत्व है वहां पर एक सुमिरन का भी कितना महत्व है, और ये भी महसूस किया जा रहा है कि एक सुमिरन की कमी होती जा रही है। सुमिरन की कमी का मतलब इस मालिक निराकार और इस ज्ञान के एहसास की कमी होती जा रही है। तो ये सुमिरन भी, इसके साथ ध्यान ये जोड़ना, ये बहुत लाजिम हो चुका है। वरना हमारे जो इक्विलिब्रियम है, ये जो हमारी एक मन की अवस्था है, इसको सहजता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो कंटेंटमेंट नहीं आ रही है, इसीलिए ऐसी एक अवस्था में कमजोरियां हमें महसूस हो रही हैं, और हम भी वही कुछ महसूस करने लग पड़े हैं जो संसार के लोग महसूस करते हैं। वो उनके भी वही रिएक्शंस हैं, हमारे भी वही होते चले जा रहे हैं। उस स्थिति में कैसा रहना है, जैसे संसार रह रहा है हम भी उसी तरह से। तो कहने का भाव, ये मालिक खालिक के साथ, इस निराकार के साथ, ये ज्ञान, ये जो अडोल है परम सत्ता, इसके साथ ये मन का नाता जो है, ये उस प्रकार से जुड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए शुरू से ही एक सहज इस निराकार दातार के साथ ये सुमरन की बात ये लगातार की जा रही है कि चलते फिरते इस मालिक का एहसास हो। वाकई ही अगर ये स्थिति हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है कि चलते फिरते उठते बैठते इस मालिक का एहसास रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ये लगातार महसूस किया जा रहा है कि जब सुमिरन की बात होती है तो कहा जाता है कि हमने रटन नहीं करना है, तो रटन तो नहीं करना है।